आपके लिए लेके आए हैं एक नमकीन बनाने की रेसिपी जो मैं घर में आमतौर पर बनाती हूँ। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है, ये देखिए, एक कप पूरा नहीं है, उससे थोड़ा कम ही है इसमें। ये कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इसे अच्छे से मैंने साफ कर, ये देखिए, एक कप आटा, एक कप कॉर्नफ्लावर और एक कप आटा सेम क्वांटिटी में लेना है हमें। तो ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिलाएंगे ताकि दोनों अच्छे से मिल जाए। तो चलिए इसे मिलाते हैं। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा, ये नमक है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से मिला लेते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है अच्छे से मिक्स होगा तो हमारा नमकीन भी बढ़िया बनेगा। तो ऐसे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि हम मोइन देते हैं उसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है ताकि सिर्फ इसका सुगंध रहे और ये हल्का क्रिस्पी हो जाए, इसके लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है। तो त्यौहार आ रहा है, होली है, तो कोई भी मेहमान आए तो मीठा बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं, पर नमकीन आप ऑफर कीजिए तो कोई मना नहीं करता है। और साथ में अगर अलग तरह की नमकीन जो कि बाज़ार से मिलता है उससे हटके अगर आप घर में बनाते हैं तो उसका तो स्वाद ही कुछ और रहता है, सभी खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये थोड़ा समय लगता है पर ये बहुत ही अच्छा से बन जाएगा। ये देखिए, आप अभी देख के समझ पा रहे हैं शायद, ये देखिए इस तरीके से मैं ऐसे, ये देखिए ऐसे ये बन जाता है, मतलब ये अभी बन के तैयार हो गया है। तो इसे अब हम एक साइड में ढक के रखते हैं। इसे अच्छे से मिला के ढक के रख देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए उसे ढक के रखते हैं। तब तक हम ये देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ का आलू है जिसे कि मैंने चीरा लगा के अच्छे से बॉईल किया है एकदम सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए कैसे फट गया है, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो इसे अब हम मैश करेंगे, अच्छी तरीके से मैश करना है। इसे अच्छे से मैश करते हैं। इस तरीके से कोई भी, मतलब ऐसा सॉलिड पीस नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये देखिए बढ़िया से एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बन गया है। तो इसमें अब हम ऐड करने वाले हैं, ये देखिए मीडियम साइज़ का 2 प्याज लिया है, 2 आलू 2 प्याज और ये हरी धनिया की पत्ती ये लिया है मैंने, 6 से 7 हरी वाली मिर्च जो कि हमें तीखा ज़्यादा चाहिए तो मैंने ज़्यादा लिया है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो तीखा आप कम भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया मैंने हरी मिर्च। और नमक हम इसमें चुटकी भर नमक मिलाएंगे, क्योंकि हमने उस ये हमारा जो आटा गूंध के मिक्स करके रखा है इसमें भी हमने नमक दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हम नमक कम देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं। चलिए Thank you.
एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद कैसा लगता है एक बार श्योर कमेंट में बताइए। और जो हमारे नए दर्शक हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके जो कमेंट है उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि हम आगे नया कुछ करते रहे। तो ये देखिए, ये मेरा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको इसमें धीरे धीरे करके इसको मिक्स करके इसी के साथ इसे छान लेते हैं सभी चीज़ों को। देखिए इस तरीके से आप गूंथते रहिए धीरे धीरे। इससे क्या होगा, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो नमक दिया हुआ है इसमें से प्याज का जो रस है वो भी बाहर आ जाता है और धनिया की पत्ती है उसका भी थोड़ा जूस बाहर आ जाता है, इसीलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए थोड़ा समय लगता है पर ये देखिए ऐसा बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है हमें, ऐसे धीरे धीरे इसी तरीके से हम छानते रहिए। करीब 3 से 4 मिनट मैंने कंटिन्यू इसे छानने के बाद इस तरीके से ये आटे के डो जैसा तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो ये डो बनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक प्याज घीस के भी इसमें डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है पर मुझे तो ज़रूरत नहीं हुआ है। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से पूरा एक सॉलिड डो बन के तैयार हो गया। तो इसे हम अब 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए हमारा 5 मिनट हो चुका है तो हमारा डो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है पहले से। तो ये देखिए तो इसे हम अब क्या करने वाले हैं, देखिए इस तरीके से एक इस तरीके से इसे लंबे लंबे जैसे बेलते हैं ऐसे लोई की तरह इसे धीरे धीरे रोल करेंगे। इस तरीके से मैंने सभी इसको रोल बना लिया है आटे को। इसे आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि अंदर जो प्याज है और धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च है, उससे क्या होता है अंदर बबल्स बन जाता है और ये फटने लगता है। तो ये स्मूथली इसे इस तरीके से फैलाना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारा बना लिया है, देख सकते हैं आप ये सारा बना लिया है। तो इसे जब तक हम तैयार करते हैं, चलिए गैस को ऑन करके तेल गर्म होने कर लिया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए देते हैं। चलिए त्यौहार के दिन में एक दिन हेल्थ को थोड़ा सा साइड में रख के स्वाद भी लेंगे। हमेशा हेल्थ के बारे में सोचने से स्वाद कैसे आएगा, तो स्वाद के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है। इसीलिए हमने घर में सब चीज़ तैयार किया है, वो भी अपने हाथों से, जो कि मैंने खुद सारे चीज़ जो है कि घर का बना हुआ ही है। तो चलिए ये जब तक गर्म होता है तब तक हम इसे अगले स्टेप में आते हैं। तो इसे अब हम साइज करके कटिंग करेंगे। चलिए इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। तो ऐसे ही सभी को कटिंग करेंगे जब तक हमारा तेल गर्म होता है। इस तरीके से काट लिया मैंने, सभी लोई को ऐसे काट लिया है।
तो ये हमारा सभी बनके तैयार हो चुका है। तेल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। देखिए मैंने फ्लेम को हाई में रखा है और तेल बहुत गर्म होने के लिए दिया है। अब हम फ्लेम को एकदम लो में कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसे एकदम लो में कर देंगे और इसके बाद धीरे धीरे इसे तलेंगे और सभी को जल्दी जल्दी छोड़ देना है। हमें इसीलिए लो में करना है ताकि ये जले नहीं, धीरे धीरे क्रिस्पी भुन जाए। तो अब हम इसे धीरे धीरे इसी तरीके से हल्का हल्का चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सुनहरा कलर आ गया है इसमें। इसमें आपको प्याज का स्वाद भी मिलेगा, धनिया पत्ती और आलू जो इसमें दिया हुआ है, आलू और ये कॉर्नफ्लावर, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी भी बना रहेगा और तेल भी कम सोखेगा इसमें, तो हमें तेल का एब्जॉर्बेशन ज़्यादा नहीं होगा इसमें, इसीलिए हमने ये ताकि हेल्थ भी बना रहे और हेल्दी भी हो, स्वाद भी आए और सभी खा के आपकी तारीफ करें। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इसे हम इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए, इसे गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं होता है चारों ओर, तब तक इसे हम भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है इसका, सुनहरा रंग हो गया है। तो इसे अब हम नीचे उतार रहे हैं। ये देखिए तेल कितना कम सोखा है इसमें। तो अब हम सेकेंड बैच को डालने का पहले फिर से हम तेल को ज़्यादा गर्म होने के लिए फ्लेम को हाई में कर देते हैं, ताकि क्या होगा, जो हमने अभी लो फ्लेम में इसे भुना है तो भुनने के बाद तेल थोड़ा टेम्परेचर इसका कम हो जाता है, तो इसके लिए इसे फिर से गर्म होने के लिए हाई हीट में तेल को लाने के लिए मैंने स्टीम को हाई कर दिया है। ये देखिए तेल अभी काफ़ी गर्म हो चुका है। तो इसमें अब हम फिर नेक्स्ट बेस डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे भुजिया को ऐसे तल लेंगे। जब भी हमें एक बेस उतारने के बाद फ्लेम को हाई करके तेल को फिर से गर्म होने के लिए, ज़्यादा हीट होने के बाद आप जैसे इसे डाल देते हैं एक साथ, डालने के बाद फ्लेम को फिर से एकदम लो में ले आइए ताकि ये धीरे धीरे पकता रहे। और ये जो तेल गर्म हो चुका था इससे आपका पहला जो सुनहरा कलर जो आता है इसमें आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखिए इसी तरीके से तो आप फ्लेम को हम एकदम लो में कर देंगे ताकि ये धीरे धीरे भुने। हमारा नमकीन इस तरीके से बनके तैयार हो गया। तो इसे हम सर्व करेंगे टोमेटो के खट्टे मीठे चटनी के साथ। तो इसका रेसिपी जो है हमारे YouTube चैनल में दिया हुआ है, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अगर आप पुराना है तो आपको पता चल ही गया होगा टोमेटो का प्यूरी बनाने का जो रेसिपी उसी में है। तो ये देखिए होली में, स्पेशली होली के लिए मैंने ये बनाया है नमकीन। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइए। और जो नए दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नई कोई रेसिपी या फिर ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पोटैटो स्नैक्स, पोटैटो स्नैक्स, हाँ, होली स्पेशल, होली स्पेशल नमकीन, नमकीन खा के बताता हूँ। आपको आवाज़ तो आ ही रहा है, कितना क्रिस्पी है।
देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप कई दिनों तक रख इसे स्टोर करके रख सकते हैं, धीरे धीरे आराम से खा सकते हैं, और चाहे तो आप धनिया की हरी चटनी से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये तो टेस्टी है ही है, और जो केचप बना है ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसका रेसिपी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, चेक कीजिएगा हमें आई बटन में।